इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो तो प्रोबेबली आप और आपके फ्रेंड ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आप और आपके यू नो पार्टनर ने स्टार्ट कर लिया, तो इनिशियली एक या दो लोग रहेंगे, हमें डिज़ाइन आता है, हमको ड्राइंग्स बनाने आते हैं, हमको 3D आता है बेसिक, तो इसके लिए आपको किसी नए पर्सन को आपके टीम में इंक्लूड करने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। बट जैसे आप काम करोगे आपको फील होगा कि 3D जो है वो अच्छे लेवल का नहीं हो रहा है, तो यू माइट नीड टू हायर समवन और आउटसोर्स सम वर्क टू सम अदर पर्सन। तो ये जैसे मैंने कहा आपको सब चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है, बट ये प्रैक्टिकल है नहीं कि आप हर एक चीज़ सीखोगे। आप डिज़ाइन भी आपको ही करना है, फिर आप अगर आपको रेंडरिंग नहीं आता आप 3D Max सीखने बैठोगे तो आप डिज़ाइनिंग कब करोगे, आप फिर आपके प्रेजेंटेशन कब करोगे। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है फॉर वन पर्सन टू यू नो लर्न ईच एंड एवरीथिंग एंड डू दैट ईच एंड एवरीथिंग। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल हैव टू डेलीगेट सम वर्क टू अदर एक्सपर्ट एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। हमें ऐसा लगता है कि जितना काम हम खुद करेंगे उतना हम ऑफिस का जो एक्सपेंस है थोड़ा लिमिटेड रखेंगे, बट इट डजेंट वर्क दैट वे। जो भी जितने भी टैलेंटेड लोग हैं जिनको आप देखते हैं उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करो। आप प्रोजेक्ट बेसिस पे एक दूसरे के साथ काम कर सकते हो एंड कोलैबोरेटिंग विथ मोर पीपल ऑलवेज हेल्प्स। एक्सपोजर है वो आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, सो दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप फोटोग्राफी में एक्सपर्ट नहीं है तो आपके प्रोजेक्ट्स के फोटोग्राफ्स क्लिक करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लिक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर मत लो। इफ़ यू आर नॉट बेस्ट एट इट देन फाइंड आउट अ फोटोग्राफर हु डज हु नोज द जॉब, और उसको आप एक प्रोजेक्ट के आपके जो साइट है उसकी अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन कर लो, बिकॉज दीज आर द सेम फोटोग्राफ्स दैट यू विल बी अपलोडिंग ऑन योर सोशल मीडिया एंड प्रोबेबली दीज आर द फोटोग्राफ्स विच विल बी सीन बाय मोर पोटेंशियल क्लाइंट्स एंड दे वुड अप्रोच यू। सो जस्ट डूइंग गुड वर्क इन टूडेज वर्ल्ड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, डॉक्यूमेंटिंग द वर्क, प्रेजेंटिंग द वर्ड, प्रेजेंटिंग द सेम वर्क इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। सो इन्वेस्ट इंटेलिजेंटली। अब जब हमने डॉक्यूमेंटेशन की बात कर ली तो बात करते हैं आपके पेपर वर्क के बारे में, अग्रीमेंट के बारे में, डॉक्यूमेंट्स कार्ड सब के बारे में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो बेसिक चीज़ें हैं जो कई बार हम भूल जाते हैं, हमें लगता है काम के बाद काम करते रहते हैं एंड कुछ जो माइनर चीज़ें हैं वो हम भूल जाते हैं या उनको नज़रअंदाज करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आप नए लोगों को मिलते हैं तो एक अच्छा कार्ड होना इज़ अ बेसिक थिंग जिसके ऊपर आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो, और अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो यू माइट नॉट वॉन्ट टू एड द एड्रेस, बट आपके सोशल मीडिया हैंडल्स दे सकते हो जिसके ऊपर लोग आपका काम चेक कर सकते हैं। तो ऐसे कार्ड्स होना, अगर आप किसी नए शॉप में जा रहे हो तो ऑलवेज आस्क फॉर कार्ड्स। तो यू नो कार्ड्स के ऊपर बेसिक आपको जो अच्छा लगता है कर लो। प्रोबेबली आफ्टर फ्यू ईयर्स यू विल वॉन्ट टू रिवाइज द डिज़ाइन, यू माइट चेंज फ्यू थिंग्स, यू माइट वॉन्ट टू एड सम थिंग्स, दैट्स परफेक्टली फाइन। बट जो आप अभी आपको जो बेस्ट लगता है कार्ड्स प्रिंट करा लीजिए आपके बेसिक, जस्ट मेक श्योर दैट योर कार्ड, योर सोशल मीडिया, एवरीथिंग हैज़ अ इन अ वे अ सिमिलर नेम, सो दैट यू नो इट्स ईजी फॉर पीपल टू प्रोबेबली सर्च यू ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। सारे जो इवेंट्स होते हैं जैसे कि एस्टेक है, डी कोड है या फोएड है, सारे जो ऐसे एग्जिबिशंस होते हैं वहाँ पर कार्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लोग मुझे, कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि हम किसी शॉप में जाते हैं तो कलर के सैम्पल्स नहीं मिलते, स्वॉचेस नहीं मिलते, हमें ब्रोशेस नहीं मिलते कई शॉप्स में, तो कार्ड्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास परमानेंट एड्रेस नहीं है आप एड्रेस मत डालो, अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर नहीं है आप मत डालो, मोबाइल नंबर डालो। आपके सोशल मीडिया प्रेजेंस, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स, आपका मोबाइल नंबर इज़ मोर देन इनफ। आप कार्ड बनाओ, लोग आपको सीरियसली लेंगे, प्रोबेबली यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन, दे विल सेंड यू ईमेल्स, दे विल सेंड यू मोर डिटेल्स लेटर ऑन। तो ये बहुत नेसेसरी है, सबसे पहली चीज़, नॉट सबसे पहली बट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। उसके बाद अग्रीमेंट बनाना, तो किसी भी जब आप ऑफिस स्टार्ट करते हो या आप कोई प्रोजेक्ट है किसी क्लाइंट को मिलते हो, प्रेजेंटेशन दे दिया, सब कुछ दे दिया, उसके बाद आप जब आपके फीस के बारे में डिटेल्स एक्सप्लेन करो, जिसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है जिसका कार्ड मैं ऐड कर दूंगी, तो आपके जो स्टेप्स होंगे, स्टेप वाइज जो आपका पेमेंट होगा उसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया, तो द सेम वीडियो, सो आई विल ऐड अ लिंक और आई विल ऐड अ कार्ड सो यू कैन चेक दैट। बट तब आप जब फर्स्ट पेमेंट लेंगे या आपके जो पेमेंट के स्टेजेस होंगे उस हिसाब से सब कुछ अच्छे से हो इसके लिए, एंड बिकॉज देर हैज़ टू बी अ बेसिस, देर नीड्स टू बी अ बेसिस फॉर एवरीथिंग। नेक्स्ट पेमेंट कब होने वाला है, देर नीड्स टू बी अ शेड्यूल, उस सब के लिए एक डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। हम आज भी वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं एंड ओके इतना हो गया, हमने फिक्स कर दिया, तो वी फील देर इज़ नो नीड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, देर इज़ नो नीड ऑफ साइनिंग एनीथिंग। और अभी तक लोग पेपर्स के ऊपर साइन करने के लिए, लोगों को डर लगता है, दैट इज़ फॉर द क्लाइंट ऑल्सो एंड दैट इज़ फॉर द डिज़ाइनर्स ऑल्सो।
तो बहुत बार मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि भले ही आप डॉक्यूमेंट में सिंपल चीज़ें डालो इसके बाद ये होगा, बट फिर भी साइन करने के लिए पीपल आर रिलक्टेंट। तो आई फील डॉक्यूमेंटेशन हमेशा ही होना चाहिए। जब एक अग्रीमेंट होता है तो दोनों के ऊपर एक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपके ऊपर भी, और अगर आप क्लाइंट है तो क्लाइंट के ऊपर और डिज़ाइनर के ऊपर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि म्यूचुअल अग्रीड टर्म्स के ऊपर एक पेपर वर्क हो, अग्रीमेंट बने। जब प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट होने वाला है उसका एक टाइम पीरियड होना चाहिए, सम डिटेल्स, स्कोप ऑफ वर्क होना चाहिए, दोनों पार्टीज़ के नाम होने चाहिए, कब आपने अग्रीमेंट बनाया है, और जैसे मैंने कहा टाइम फ्रेम होना चाहिए, उसकी अमाउंट होनी चाहिए, व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, आपके फ़ीस कितने हैं, कौन से स्टेज वाइज वो देने हैं, सिंपल चीज़ें हैं। और उसके बाद अगर प्रोजेक्ट इतने टाइम में कंप्लीट नहीं होता तो फ़ीस कैसे रिवाइज होंगे, अगर काम बढ़ता है तो क्या आपके वॉट एवर दैट योर टर्म्स एंड कंडीशंस आर, उसके लिए आपको हर एक कंपनी के लिए डिफ़र करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रेडीमेड ये कहीं पे मिल जाएगा। आपको शायद डिफिकल्ट लगेगा बट जस्ट डू इट, हैविंग सम डॉक्यूमेंटेशन इज़ रियली रियली नेसेसरी। अगर आपको इनिशियली डायरेक्टली डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना ईजी नहीं लग रहा है, तो जैसे मैंने वो वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जब स्टेज वाइज जो प्रोसेस होता है आप पूरा उसका एक प्रेजेंटेशन दे दीजिए। प्रोबेबली यू आर इट्स वेरी इजी फॉर यू टू कम्युनिकेट दैट वे। आप पूरा प्रेजेंटेशन दीजिए जिसमें सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, किसके बाद कितना पेमेंट है वो सब होगा, सो द क्लाइंट विल ऑल्सो अंडरस्टैंड क्या है, एंड देन यू कैन प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट विच बेसिकली हैज़ द सेम थिंग विच द प्रेजेंटेशन हैज़। तो दैट वे आपका जो अग्रीमेंट है एक डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट हो जाएगा फॉर एवरी प्रोजेक्ट। यू विल हैव अ फाइल फॉर एवरी प्रोजेक्ट। एंड ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आप राइट फ्रॉम द फर्स्ट प्रोजेक्ट यू विल नो दिस और आपको सब कुछ आ जाएगा। ऑब्वियसली आप नई चीज़ें सीखोगे, आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रिफाइन होगा। आई फील वी शुड ऑलवेज हैव प्रिंट्स, एंड अगेन आई फील नॉट दैट आई ऑलवेज डू इट, बट मुझे हमेशा लगता है वेन एवर आई हैव प्रिंट्स ऑफ डिज़ाइंस हो, ड्राॅइंग्स हो, या कंसेप्चुअल लेआउट्स हो, या वर्किंग ड्राॅइंग हो, या 3Ds हो, जब भी हम प्रिंट्स कैरी करते हैं तो इट्स बेटर फॉर यू नो इफ देर आर लॉट ऑफ पीपल अक्रॉस द टेबल आपका डिस्कशन हो रहा है, तो प्रिंट्स आर ऑलवेज बेटर बिकॉज यू कैन ड्रॉ ऑन प्रिंट्स फॉर द सिंपल रीजन दैट यू कैन ड्रॉ ऑन प्रिंट्स। एंड मैनी पीपल एट अ टाइम इफ दे वॉन्ट टू से समथिंग यू कैन स्केच ऑन द प्रिंट्स। ऑब्वियसली अगर आपके पास टैब है या आप आपका आईपैड है, आप उसके ऊपर प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उसके ऊपर भी आप नोट्स निकाल लिख सकते हो, सब कुछ है, बट एक प्रिंट के ऊपर जो डिस्कशन हो सकता है, आई फील आई पर्सनली प्रेफर दैट, आई लाइक इट दैट वे। तो हार्ड कॉपीज़ अगर जब भी पॉसिबल है हार्ड कॉपीज़ लेके जाओ, एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद बिकॉज जैसे मैंने कहा लास्ट मोमेंट तक काम करते रहना, उसके बाद फटाफट लेके जाना, तो उसमें सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। आपका ड्राइंग जिस स्टैंडर्ड लेवल में आपको चाहिए उतना कंप्लीट नहीं होता, देन यू डोंट टेक आउट द प्रिंट्स बिकॉज यू डोंट हैव टाइम, एंड यू एंड अप एक्सप्लेनिंग ऑन साइट, विच इज़ फाइन, विच ऑल्सो वर्क, बट अगेन इफ़ यू वॉन्ट टू बी, आई ऑलवेज फील दैट यू नो अंडर प्रोमिस एंड ओवर डिलीवर, इफ़ यू कैन डू दैट क्रिएट्स अ गुड इम्प्रेशन।